गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश जी को मोदक का भोग लगाया जाता है, और ये मोदक बहुत स्पेशल हो जाएंगे अगर हम इनको हेल्दी वर्जन में बनाएंगे, ताकि सभी लोग इनको खा सकें, है ना। तो कई लोग मीठा होने की वजह से या दूध की वजह से नहीं खा पाते हैं, तो इसीलिए हम बनाएंगे मोदक का हेल्दी वर्जन, जो गणेश जी को तो बहुत पसंद आएंगे, बाकी किसी भी एज ग्रुप के लोग इसको बहुत ही चाव से खाएंगे, ये इतने टेस्टी बनते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका पिंकी जी की सिंपल रेसिपीज़ में। तो उसके लिए मैंने ले लिए एक फुल बोल ऑफ अलसी, ठीक है। अलसी को आपने गर्म कर लेना है जस्ट फॉर 2 or 3 seconds के लिए, ठीक है। 2 से 3 seconds के लिए आपको इसको रोस्ट कर लेना है। जैसे गर्म हो जाए आपको साइड में निकाल के इसको रख लेना है, क्योंकि हम इसको पीसेंगे बाद में। और ये मैंने लिया है सूखा नारियल, नारियल जो होता है नारियल का बूरा, उसको भी हल्का सा 1-2 seconds के लिए आपको ड्राई रोस्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही हल्का सा कलर चेंज हो जाए 1-2 seconds बाद हो जाएगा, ठीक है। तेज़ पे नहीं करिएगा, सिर्फ मीडियम फ्लेम पे, ठीक है, लो टू मीडियम फ्लेम पे उसको आप गर्म करके साइड पे निकाल लीजिए। ये देखिए अलसी को मैंने ग्राइंड कर लिया है, पाउडर फॉर्म कर लिया है बिल्कुल इस तरह से। अब आप इसमें नारियल डाल दीजिए। सिर्फ 5 मिनट में, हार्डली 5 मिनट में इतनी टेस्टी और सॉफ्ट मोदक तैयार हो जाएंगे आपके। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हमें इस पर मिक्स करनी है शक्कर, जो गुड़ वाली शक्कर होती है वो आपको इस पर मिक्स करनी है अपने टेस्ट के हिसाब से, या आप जितनी भी क्वांटिटी ले रहे हैं उस हिसाब से। मेरा इसमें 1.5 कटोरी के करीब शक्कर गई है। उसके बाद में मैंने इसमें डाला है इलायची पाउडर, ये लिया है मैंने किशमिश होती है, किशमिश को छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया है। आप इसमें बाकी नट्स भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, बादाम डाल सकते हैं ग्राइंड करके, पाउडर करके, या फिर नट्स के रूप में। और ये मैंने लिया है तकरीबन 2 चम्मच के करीब घी, आप ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, वो कोटिंग अच्छी होती है, बाइंडिंग तो होगी होगी, और साथ में क्या होगा वो अच्छा ग्लॉसी सी फिनिश आएगी उस पर। और ये मैंने लिया है तकरीबन इसमें 10 चम्मच के करीब दूध है, ये लिया है मैंने एक छोटी सी कटोरी, ठीक है, और उसमें 10 चम्मच के करीब लगभग दूध होगा। इससे क्या होगा, बाइंड अच्छी तरह से हो जाएगा। देखिए अभी नहीं हो रहा है ये, तो हम 2 चम्मच के करीब इसमें दूध और डालेंगे। इसमें 2 चम्मच ही है तो 2 चम्मच के करीब इसमें दूध और जाएगा। आप बस इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए ताकि वो ड्राई ना रह जाए। देखिए बिल्कुल बाइंड हो चुका है, अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है ये। आप ऐसे बाइंड करके देखेंगे तो ये देखिए जुड़ रहा है ना आपस में, तो ये बिल्कुल रेडी है। अब आपको क्या करना है, एक मोदक का स्टैंड लेना है इस तरह से, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं। बस इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिएगा आप, एक बार ही आपको ग्रीस करने की ज़रूरत पड़ेगी, बार बार नहीं। इसको ये बंद कर लीजिए, लॉक कर लीजिए उसको, और उसको अच्छी तरह से फिल करना है ये वाला, क्योंकि ये ना ड्राई है, ये जो मटेरियल है ये ड्राई है, ठीक है। तो ये क्या होगा ना, लूज़ जल्दी हो जाता है, बिखर जल्दी जाता है। सो आपको अच्छी तरह से उसके अंदर फिल करना है, दबा दबा के, ताकि ये बाइंड ही रहे और मोदक की शेप वो अच्छी तरह से ले ले। तो अच्छी तरह से आपको उसको फिल करना है। आप इसमें अपना मनपसंद टेस्ट ऐड कर सकते हैं चाहें तो। गुलकंद मैंने लास्ट वीडियो में गुलकंद मोदक बनाए थे, आप गुलकंद ऐड कर सकते हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए, बहुत डिमांडिंग वीडियो है। मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी ज़रूर। ये देखिए कितने ही परफेक्ट शेप में बन के आए हैं, ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहे हैं, लेकिन ये इतने सॉफ्ट हैं कि आपके मुंह में जाते ही घुल जाएंगे, बहुत ही टेस्टी हैं। इनफैक्ट मैंने इनका भोग लगाया था गणेश जी को और प्रसाद के रूप में दिया था, तो सबको बहुत पसंद आए थे ये। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ज़रूर ट्राई करके प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कैसे बने थे ये। ये बिल्कुल न्यू वीडियो है तो आप इसको प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस गणेश चतुर्थी पे।
इसी तरह से मैंने सब मोदक बना के तैयार कर लिए थे, क्योंकि मैंने भोग पे चढ़ाने थे तो मेरे काफ़ी सारे मोदक इस मटेरियल से बन गए थे। ये देखिए बहुत ही प्यारी और परफेक्ट शेप बन के आ रही है इनकी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा प्लीज़, ये हाईली रिकमेंडेड वीडियो है आपके लिए, तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगी आप प्लीज़ ये ज़रूर बनाइएगा। नाना नानी दादा दादी सबको ज़रूर खिलाइएगा, उनको सबको बहुत पसंद आने वाले हैं ये, और हेल्दी हैं, है ना। शक्कर है बिना मीठे के, शक्कर आप ले सकते हैं, है ना, तो आप इसको प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए जाते जाते, ओके।